हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन बायोलॉजी टॉप टेक चैनल। तो एवरीवन, टुडे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि अभी अभी जारी हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, हम यहाँ के जेकब के मेन वेबसाइट पर है। यहाँ पे होम वाला सेक्शन दिया गया अबाउट इन्फॉर्मेशन शेड्यूल ई सर्विस एक्टिविटी बोर्ड स्टूडेंट कॉर्नर सीट मैट्रिक्स नोटिस अर्चिव कंटेक्टर्स। यहाँ पे जो सभी का जो यहाँ पे नोटिफिकेशन मतलब जो यहाँ पे अलग अलग सेक्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए लेटेस्ट न्यूज़ में दिया है डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फॉर जीकब 2024 हैज़ बीन स्टार्टेड। मतलब आपकी आप लोग का जो यूपी पॉलिटेक्निक डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम जो होने वाला है 2024 का, उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की जो यहाँ पे लिंक जो है एक्टिवेट हो गया। आप लोग अब यहाँ पे जाके जो है अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए न्यूज एंड इवेंट में एग्जामिनेशन डेट पब्लिक नोटिस दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन शेड्यूल फॉर जीकब 2024 इन्फॉर्मेशन ब्रॉकी 2024 दिया है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप लोग को जो यहाँ पे आ जाना है। तो आप लोग का सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का डेट हो है जो यहाँ पे दिया है 13/6/2024 से लेके 20/6/2024 के बीच में आपका एंट्रेंस एग्जाम जो है कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा के जो है कम्प्लीट करवा दिया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेटी एक्टिविटी बोर्ड में जब आएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर जीकब 2024 का ऑप्शन दिया है एंड डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर जीकब पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी 2024 का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो आपको डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इस वाले वेबसाइट फर्स्ट वाले लिंक पर जो है क्लिक करना होगा। तो जब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस टाइप का इंटरफेस हम लोग के सामने ओपन हो जाता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है। तो जब यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे हम देख लीजिए आप लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हुआ है। तो यहाँ पे एग्जामिनेशन करके दिया गया है, तो एग्जामिनेशन में ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश 2024 दिया। आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन नंबर आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पे आपको फिल करना है। आप लोग यहाँ पे अपना पासवर्ड डालिएगा और सिक्योरिटी पिन यहाँ पे जो नीचे सेंसिटिव हो रहा है यहाँ पे देख लीजिए सिक्योरिटी पिन दिया गया है S67P21। आपको यहाँ पे जो है फिल कर देना है, यहाँ पे अपना पासवर्ड डालना और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर, देन उसके बाद जो है यहाँ पे जो साइन इन वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं किसी कार्ड बस, अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो आपको फॉरगेट पासवर्ड मार के एक न्यू पासवर्ड रीजनरेट कर लेना है। तो जब साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे OTP ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, मतलब आप लोग जब जीकब का एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे थे, एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे, तो उस टाइम आप लोग जो अपना ईमेल आईडी दिए होंगे और मोबाइल नंबर दिए होंगे, तो आप लोग जो है जो OTP यहाँ पे जब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप लोग के सामने दो इस टाइप के ऑप्शन आएंगे। तो जो यहाँ पे सेंड OTP 1, मतलब आपको जो है अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आपको पहले मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर जो है OTP भेजना होगा, देन उसके बाद आप OTP जब फिल करेंगे तब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा। तो यहाँ पे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर आप OTP चाहते हैं कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, आप जिस पर भी OTP चाहते हैं आपको उसमें से एक विकल्प को जो है यहाँ पे चूज कर लेना है, चॉइस कर लेना है। तो यहाँ पे जैसे कि हम रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वाले पे OTP चाहते हो तो हम यहाँ पे देख लीजिए सिलेक्ट कर लिए हैं। तो हमने यहाँ पे जब भर दिया रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तब उसके बाद जब यहाँ सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो सेंड OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है कुछ इस टाइप का यहाँ पे देख लीजिए, इस वाले मोबाइल नंबर पर OTP गया जो इनके फॉर्म में हमने यहाँ पे भरा था। तो एंटर OTP यहाँ पे ऑप्शन दिया, हमें इसको जो यहाँ पे फिल करेंगे। तो अगर आप जो है OTP का टाइम आउट हो जाता है तो आप लोग रिसेंड OTP कर सकते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन देख लीजिए दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोग लॉगिन करेंगे वहाँ पे, जब हम लोग OTP भर कर जो है यहाँ पे लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट नेम यहाँ पे दिया गया है काजल गुप्ता, यहाँ पे इनका एप्लीकेशन नंबर दिया है और यहाँ पे इनका जो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप जो है यहाँ पे नीचे आएंगे तो देख लीजिए नीचे यहाँ पे मैनेज एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का ऑप्शन दिया है एंड जो है व्यू डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन दिया है। तो जैसा कि हम लोग को जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो हम लोग इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जब हम व्यू डाउनलोड वाले एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसलिए। तो जब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम लोग के सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे देख सकते हैं ओपन हो गया है। जैसे कि यहाँ पे कैंडिडेट नेम काजल गुप्ता दिया, एप्लीकेशन नंबर भी दिया और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन दिया गया है। तो और यहाँ पे इनका एडमिट कार्ड देख लीजिए ऐसे डाउनलोड हो गया है।
जॉइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल यूपी पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश यूपी जेई 2024 एडमिट कार्ड 2024 यहाँ पे डाउनलोड हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे जो है नेम दिया है और इनका डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह जो यहाँ पे दिया है। बाकी यहाँ पे इनका जो है यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्होंने फॉर्म फिल किए थे यहाँ पे इनका सब कुछ दिया गया है। और इनका जो है इंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया, इन्होंने ग्रुप ईवन बायो से बायो ग्रुप से इन्होंने जो अप्लाई किया था, इनका एग्जामिनेशन सेंटर गया है इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भिंडी छोटी देवकाली मंदिर तुलसी नगर अयोध्या डिस्ट्रिक्ट। मतलब इनका जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन सेंटर है वह अयोध्या में गया है, तुलसी नगर अयोध्या में गया है। यहाँ पे सेंटर पर रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है, मतलब अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे देख लीजिए सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम डेट ऑफ रिपोर्टिंग टाइम क्या है, यहाँ पे 3 बजे आपको सेंटर पर जो है पहुँच जाना है। तो यहाँ पे 3 बजे का टाइम दिया तो लेकिन आपको सेंटर पर जो है 2 बजकर आपको जो मतलब सेंटर पर जो है 2:30 पर जो है आपको सेंटर पर पहुँच जाना, मतलब 2:30 बजे आपको जो है सेंटर पर पहुँच जाना है, जिससे आप लोग को कोई हड़बड़ाही ना मतलब हड़बड़ी ना हो और आप लोग जाके वहाँ पर रिलैक्स हो जाए, आप लोग को कुछ भूले ना, आपके दिमाग में सब जो है फ्रेश माइंडेड में बना रहे। तो यहाँ पे देख लीजिए सेंटर ऑफ रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पे 3 बजे से जो इनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और 4 बजे इनका एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो इनका 15 जून 2024 को इनका एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम दिया गया है 4 बजे से लेकर इनका 6:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा, सॉरी हमने यहाँ पे ऐसे बता दिया, जो यहाँ पे एग्ज़ाम टाइम दिया है 4 बजे से लेकर इनका जो है 4 बजे से लेकर जो है इनका जो है 6:30 बजे तक इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे जो सेंटर पे रिपोर्टिंग का टाइम दिया वह 3 बजे दिया गया। तो यहाँ पे हमने स्टेप बाय स्टेप बता दिया, यहाँ पे जो कुछ यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं आप लोग को कि जो है आप लोग को परीक्षा केंद्र में क्या क्या लेके जाना है क्या लेके नहीं जाना है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए बाकी हम यहाँ पे अनदर चीज़ें बता देते हैं आपको क्या एंट्रेंस एग्ज़ाम पे क्या लेके जाना है क्या नहीं ले जाना है। तो सबसे पहले आपको जो है जब आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आप लोग को सिंपल यूनिफॉर्म में जाना है। तो आप लोग को कोशिश यही कीजिएगा कि आप लोग जो स्लीपर में जाइएगा, अगर आप जो है शूज में जाते हैं तो आपका शूज वहाँ पे जो है निकलवा दिया जाता है, इसलिए आप लोग सिंपल यूनिफॉर्म में स्लीपर में जाइएगा। आप लोग अपने हाथ में किसी भी प्रकार का कोई वॉच मत लगाइए, अगर वॉच लगे तो सिंपल वॉच लगाइएगा। एंड आप लोग अपने गले में या ईयर में जो है अपने या नोज में मतलब कुछ भी आप लोग ऐसा मत पहनिएगा जिसको वहाँ पे निकलवा दिया। और आप लोग जो है अगर आप अपने पॉकेट में मतलब पैसे लेके जाते हैं तो आप लोग पैसे में जो नोट जो मतलब कागज़ के नोट होंगे उसी को लेके जाइएगा। आप लोग जो है कॉइन जो सिक्के होंगे उसको आप लोग कॉइन को लेके मत जाइएगा अगर आप कॉइन लेके जाते हैं। और अगर आप लोग बेल्ट लगा के जाते हैं पैंट में, अगर आप लोग बेल्ट लगा के जाते हैं तो बेल्ट भी निकलवा के जमा कर दिया जाता है, इसलिए आप लोग एकदम सिंपल यूनिफॉर्म में स्लीपर पहनकर जो है आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाइएगा। और आप लोग जो दो ब्लैक पेन ले लीजिएगा दो ब्लू पेन ले लीजिएगा। बाकी आपको अपना एडमिट कार्ड ले लेना है, आपको अपना एडमिट कार्ड ले लेना है जो यहाँ पे डाउनलोड हुआ एडमिट कार्ड लेके जाना है। एंड जो है आधार कार्ड ले लीजिएगा, एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया यहाँ पे जो है, एडमिट कार्ड ले जाना है आपको, आधार कार्ड ले जाना है। एंड जो आप लोग मास्क ले लीजिए, अपना हैंकी ले सकते हैं, आप लोग रुमाल ले लीजिएगा। बाकी आप लोग जो है 2 ब्लैक पेन और 2 ब्लू पेन ले लीजिएगा, आप लोग बाल पेन जो है उसको ले लीजिएगा। बाकी और आप लोग कुछ जो है मत लेके जाएगा। और आपको वहाँ पे जो है पेपर मिलेगा, अगर आपको रफ कार्य करना है तो आपको वहाँ पे पेपर मिलेगा। और बाकी आप लोग जब इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिएगा तो आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि आपको जो वहाँ पे क्वेश्चंस आएंगे उस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा याद करके आइएगा, फिर एग्ज़ाम देने के बाद जब आइएगा तो आप लोग यहाँ पे आके चैनल में कमेंट करके आप लोग बताइएगा किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। बाकी हमें बाद में आप जो यहाँ पे पेपर होगा उसका पेपर है वह जो है हमें हम डाउनलोड कर लेंगे बाद में, जब इंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा उसके बाद हम उसको जो है डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन आप लोग एक बार पेपर देके आइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में जो है किस टाइप के क्वेश्चन रहे और किस टाइप का आपका एंट्रेंस एग्जाम रहा, अच्छा गया कैसे गया, आप लोग जो कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। बाकी जो और चीज़ें आपको लेके जाना है और नहीं लेके जाना है तो उसको आप लोग जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ लिखा गया है। बाकी हम अनदर जब लेक्चर डालेंगे पढ़ने वाला तो हम उसमें आपको बता देंगे आपको इंट्रेंस एग्जाम सेंटर पर आपको क्या क्या लेके जाना है क्या क्या लेके नहीं जाना है। आप लोग अपने पास एक बॉटल ले जा सकते हैं, अगर आपको पानी पीना है तो आप लोग बिसलेरी का बॉटल ले जा सकते हैं, या फिर आपको वहाँ पे पानी पीने के लिए जो ऑलरेडी आपके पास बिसलेरी बॉटल वहाँ पे जो है जो टीचर्स लगे रहेंगे वो आपको सर्विस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह नोटिफिकेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल बायोलॉजी टॉप टेक। अगर आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा, अगर कुछ कार्ड बस से तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क इरर होगा क्योंकि अभी भी जारी हुआ तो सभी लोग डाउनलोड कर रहे होंगे, इसलिए थोड़ा सा वेबसाइट पर जो है नेटवर्क इरर हो रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ एंड नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट।